लेते हैं एक और बड़ी जानकारी का। गोरखपुर से सामने आ रही है जहां पर विजय रथ का तीसरे चरण का आगाज हो चुका है। गोरखपुर एयरपोर्ट से विजय रथ का आगाज हुआ है। ऐसे में 10 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। रामदेव इंटर कॉलेज के पास पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। संबोधन का भी कार्यक्रम है। तो इसी खबर पर तमाम अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सभी सुशील कुमार का, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील, अगर बात की जाए आज के दिन की, तो 10 बजे के बाद से कौन कौन से कार्यक्रम लाइनअप है, किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? देखिए सुरभि, बिल्कुल मैंने बताया कि 10 बजे के आसपास जो है अखिलेश यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो है गोरखपुर के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और 10 बजे जब एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया जाएगा। उसके बाद तकरीबन 10:15 बजे के आसपास वो रजही तिराहे के पास पहुंचेंगे, जहां से उनकी ये जो बस रथ यात्रा है वो शुरू होगी और ये रथ यात्रा जो है इनका यहाँ से शुरू होते हुए स्वागत होते हुए जगदीशपुर पहुंचेगा, जहां पे एक जनसभा का भी आयोजन किया गया है। उस जनसभा में ये करेंगे और वहां से कहीं ना कहीं बीजेपी और मौजूदा सरकार पर निशाना साधेंगे। उसके बाद वहां पे तकरीबन आधे घंटे के कार्यक्रम के बाद उसके बाद फिर उड़कर जो ये शोभा रथ यात्रा है वो निकलेगा और ये परिवर्तन रथ यात्रा निकलने के बाद सीधे जो है कुशीनगर के लिए रवाना होगा। लेकिन उसके पहले जगह जगह पर इनका स्वागत किया जाएगा, फूलमालाओं से कार्यकर्ता इनका स्वागत करेंगे और तमाम जो है अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और कुशीनगर में जाकर के वो कार्यक्रम करने के बाद रात्रि विश्राम कुशीनगर में करेंगे और कल अगले दिन फिर वो जो है लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो अब चुनाव जो मिशन 2022 को फतेह करने के लिए ये जो अलग अलग पार्टियों ने कमर कस ली है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे इनकी एक्टिविटी भी तेज हो रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री यानी गोरखपुर जो है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।